वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ DIY Sundays. आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेचुरली टिंटेड लिप्स के बारे में. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY स्क्रब. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो गाइस, पहले अगर हम बात करें कि हमारे लिप्स जो हैं वो डार्क क्यों होते हैं, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं. जैसे कि हम जब सनलाइट में निकलते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर, हमारे फेस पर सन टैनिंग हो जाती है, उसी तरह से हमारी लिप्स पर भी टैनिंग हो जाती है. अब हमने फेस पर और स्किन पर तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन लिप्स का क्या, उस पर हम वही सनस्क्रीन नहीं यूज कर सकते हैं. तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम ऐसे लिप बाम्स का यूज कर सकते हैं जिसमें कि SPF हो, उससे आपकी लिप्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. उसके अलावा हमारे लिप्स डार्क क्यों होते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, या फिर हम एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे जो लिप्स हैं वो डार्क हो जाते हैं. इसके अलावा थर्ड रीजन क्या होता है, अगर आप बहुत ही चीप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं अपने लिप्स पर, बेकार क्वालिटी की लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं जो कि लोकल मार्केट से मिल जाती है, या फिर अगर आप बहुत ही बेकार क्वालिटी के लिप बाम्स वगैरह यूज करते हैं अपने लिप्स पर, उससे भी आपके लिप्स जो है वो डार्क हो जाते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है आपके लिप्स को डार्क होने का, जितना आपको पानी पीना है उतना आप पानी नहीं पीते हैं, यू आर नॉट ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर डेली, उसकी वजह से भी आपके लिप्स जो है वो डार्क हो जाते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने लिप्स को लाइट कैसे करें, या तो आप मार्केट से कोई लिप स्क्रब वगैरह परचेज कर सकते हैं, काफी सारी ब्रांड्स के मार्केट में लिप स्क्रब अवेलेबल है, वो परचेज करके आप वो अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मार्केट से लिप स्क्रब नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, या फिर कभी कभी हमारा मन करता है कि हम मार्केट से ना परचेज करके घर में DIY करके हम लिप स्क्रब बनाएं. तो उस टाइम पे ये वाला जो लिप स्क्रब है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक तो बनाना, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नेचुरल इंग्रीडियंट्स का यूज करा है जो कि आपको आसानी से अपने घर पर मिल जाएंगे. तो इसी के साथ पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसका मेथड, कि मैंने इस लिप स्क्रब को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करा है, और उसके बाद फिर मैं आपको इस लिप स्क्रब को अप्लाई करके भी दिखा दूंगी और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी. सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक बीटरूट, और उसको मैं पील करने के बाद उसको पीसेस में कट कर लूंगी जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सर में, और उसके बाद मैं इसका जो जूस है वो अलग कर लूंगी और पल्प को अलग कर लूंगी. सो मैंने यहाँ पे लिया है बीटरूट पल्प, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब शुगर, और उसके साथ साथ मैं 1 चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर दूंगी, और आप इस तरह के कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने लिप स्क्रब बना लिया है और मैंने उसको इस तरह के कंटेनर में स्टोर करके रख दिया है. अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर है तो आप इसको काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. तो चलिए, पहले मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं इसका आफ्टर इफेक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लिप स्क्रब को अपने लिप्स पर ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स लगाने के बाद अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लिप्स को नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लिया है, और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे लिप्स मुझे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इसमें बीटरूट का इस्तेमाल किया है. तो बीटरूट क्या करता है, आपकी लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, आपके लिप्स को एक नेचुरल टिंट देता है, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है. अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं, चैप्ड हैं, या फिर अगर आपके लिप्स से ब्लीडिंग होती है उसको ट्रीट करने में भी ये हेल्प करता है. उसके साथ साथ मैंने इसमें शुगर का इस्तेमाल किया है. शुगर क्या करती है, आपके लिप्स पे एक नेचुरल स्क्रब का काम करती है, आपके लिप्स को नेचुरली एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है. उसके साथ साथ मैंने इसमें हनी का यूज किया है. हनी क्या करता है, आपके लिप्स के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है जो कि आपके लिप्स को नेचुरली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है. इस लिप स्क्रब को लगाने के बाद मुझे अपने लिप्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, और ये जो लिप स्क्रब है आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको चाहे तो आप इसको रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आपको इसको वीक में 1 से 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा. स्टिल अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, तो जैसे कि मैं आपसे हर बार ही शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो हमेशा उसको पैच टेस्ट करके जरूर देखें, अगर वो इंग्रेडिएंट है या वो जो प्रोडक्ट है अगर आपको सूट कर रहा है तभी आप उसको यूज करें, अदरवाइज ना यूज करें. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. एंड आप और कौन सी तरह के DIYs वगैरह देखना चाहे, फिर अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि कोई हेयर की प्रॉब्लम है आपको, या फिर स्किन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए DIY देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. इसके
अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। एंड अगर आप ये लिप स्क्रब अपने लिए घर पे ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड आई होप आपको ये आज का वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको एक बिग थम्स अप दे दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप मेरे चैनल पर और भी काफी सारे DIY वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर प्रोडक्ट रिव्यूज और हॉल्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, जो भी पोस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होती हैं और वीडियो के लिंक्स वगैरह पोस्ट वगैरह वो मैं फेसबुक पे डालती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।